चलिए दौड़ के चलिए, दौड़िए दौड़िए, हाँ स्टार्ट कीजिए ना। अरे भाई साहब रेस लगाने लगे आप तो। हाँ भाई जुझाग। हे गाइस वेलकम बैक टू द ब्लॉग। इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं और मैंने 2-3 काम कर लिया है। सबसे पहले मैं अपने लिए कॉफी बना रहा हूँ किचन में, ब्लैक कॉफी। होली में जितने भी कपड़े गंदे किए हैं उसको धुलने के लिए डाल चुका हूँ, तो वॉशिंग मशीन इज ऑन। आज का मौसम कितना सुहाना है देखिए, अभी तक धूप नहीं निकली है, मौसम बहुत सुहाना लग रहा है। दिस इज पोस्ट होली इफेक्ट। अभी 10 बजने वाले हैं और मेरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अभी जस्ट सुबह उठा तो नाश्ता भी नहीं किया, अभी अब जाकर के मैं नाश्ता करूंगा। भाई साहब ये क्या हो गया, मैंने अभी इसको एडजस्ट किया था, ये थोड़ी नीचे आ गई थी, तो मैं देखो यहाँ आराम से बैठ करके टीवी पे ब्लॉग देख रहा हूँ और तभी इसकी आवाज आई आराम से गिरने, जल्दी से गिरने की। ये सब देखो पूरा गंदा हो गया यार, सबको ठीक से मैंने सजाया था, बैगों के अंदर भी घुस गया, सारा पीओपी इसका निकल गया यार, लाइक दिस टूट ही गया ये, इसको निकाल ही देता हूँ, कांड हो गया बस। तो गाइस इसको बोलते हैं जब आपके पास कोई काम ना हो तो काम कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, तो दिस इज द हाउ काम कैन बी उत्पन्न। तुम ये नहीं समझ रही हो कि नहीं भी साथ में हो करके तुम मेरे ब्लॉग में साथ में दिख रही हो, हाउ प्रिविलेज्ड यू आर। कहीं घूमने का मन कर रहा है, टिकट कटाओ ना मुंबई का। आखिर कौन सा जिन था आपके अंदर जो आपके बच्चों में ये घूमने वाली आदत लग गई है? घूमना चाहिए, वो भी एक एजुकेशन का पार्ट है। ये देखिए नायू को, हैप्पी होली। चलिए बाय। तो हमारे बिहार यूपी में आज है हैप्पी होली, तो इसलिए हम लोग कल भी मनाए मुंबई के तौर पे और दिल्ली के तौर पे, और आज मना रहे हैं बिहार के तौर पे, दो दो दिन हैप्पी होली। ये किले की वजह से, पता नहीं किस वजह से, लेकिन शायद इसके अंदर जो वो किले थी ना सड़ गई होंगी, वो वहां से निकल गया। मैंने सोचा अभी कि ड्रिल करके दोबारा काटी लगा दूंगा, तब तक तो ये खुद ही गिर गया भाई साहब, ये सड़ गया है पूरा। तो गाइस इस समय दोपहर के 12 बज चुके हैं, मेरे कपड़े भी सूख चुके हैं और मैं भी नहा चुका हूं, और अब क्या करने वाला हूं मैं, भगवान जी को क्लीन करने वाला हूं, क्योंकि होली के टाइम पे जो मैंने इनके ऊपर अबीर डाला था ना, अभी उन सबको क्लीन करना होगा। और ये है हमारे बिहार का पुआ जो होली में बना था, थैंक यू आदित्य भाई फॉर दिस पुआ। ओके ओके। तो गाइज ये बनाया मैंने चाय और साथ में नमकीन, आज फिर से ट्रीट है आदित्य भाई। नहीं पुआ तो खा लिया, अब मीठा थोड़ी खाएंगे। एक तो होली का जो पुआ गांव में जो बनता है हमारे बिहार में, उसका टेस्ट ही अलग होता है। आदित्य भाई आज आ गए होली के बाद सबसे पहला बंदा और पुआ लेके आए भाई, मैंने 3-4 दबा दिया, बड़ा मजा आया खा के मेरे को, वो भी खास करके बिना रस वाला, वो जो गुड़ वाला होता है ना, लवली। अभी इसको एंजॉय करते हैं, चलिए उठाइए, चीयर्स करते हैं इसको, चीयर्स। तो गाइज अभी अंधेरा हो चुका है और मैं टहल रहा हूँ बाहर आके, मतलब वॉक करने आया हूँ इस वाले एरिया में, अभी तो अंधेरा है तो आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा। ऊपर चढ़ते चढ़ते सांस फूल रही है और ये देखिए आगे आदित्य भाई पैदल पैदल चल रहे हैं, अंधेरे में दिख नहीं रहे हैं, बहुत दूर है मेरे से बेचारे, जब भी पीछे मुड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वापस चलते हैं, नहीं नहीं आगे चलो आगे चलो, अभी थोड़ा थोड़ा आगे आगे चल के बहुत दूर जाएंगे। चलते रहो अंधेरे में अपने ही शैडो के साथ, कुछ भी नहीं है रास्ते में, सिर्फ घोर अंधेरा काला रास्ता। चलिए दौड़ के चलिए, दौड़िए दौड़िए, हाँ स्टार्ट कीजिए ना। अरे चलिए यहाँ से वो वहां तक के बिना रुके जाना है, तो दौड़िए, तो आइए कम ऑन, देखते हैं पहले कौन पहुंचता है। अरे भाई साहब रेस लगाने लगे आप तो। हाँ भाई जुझा। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, आप एक्चुअली शूज पहने हुए हैं ना, मैं चप्पल पहन पहन के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अरे ओ भाई साहब, चलते चलते सांस रुक गया, थोड़ा ऊंचा नहीं है वो, उधर से दौड़ के आ रहे हैं हम लोग। बाप रे बहुत भयानक हुआ, बहुत मजा आया, बहुत क्या सर, इनका जूता काम कर गया इसलिए आखिरी में थोड़ा जीत गई है। अब बैठते हैं यहाँ पे थोड़ा देर यार, बड़ी तेज
सांस ऊपर हो रही है। अरे नहीं नहीं बैठते हैं, हाँ हाँ राउंड मारिए। तो इस समय 8 बज गए हैं और हम लोगों ने अपना वॉकिंग कंप्लीट कर लिया है। 2 किलोमीटर का सर्किट है वन वे, हम लोगों ने 2 अप डाउन लगाया, 4 किलोमीटर अच्छा खासा वॉक कर लिया। पसीने बॉडी से बहुत अच्छे निकले हैं और अब थोड़ा फ्रेश भी महसूस हो रहा है। इनका तो देखिए ना पूरा टी शर्ट गीला हो गया, दौड़ दौड़ के भी इन्होंने अपना अच्छा खासा कैलरी बर्न कर लिया। आज ही भाई साहब आए हैं फ्लाइट से और पहले बोल रहे थे नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर भी इनको पुश कर करके फाइनली हम लोग 4 किलोमीटर का वॉक कम्प्लीट कर लिए। तो अभी 10:15 हो रहे हैं और मैं टीवी में देख रहा हूँ बिग मैजिक पे हनुमान जी की कहानी। वॉक करके आया, उसके बाद अभी खाना वगैरह भी हो गया है, मतलब डिनर इज़ डन। अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरे चेहरे पे ये देखिए यहाँ पे एक दाने हैं और यहाँ पे मतलब पिंपल्स आ गए हैं, कल जो कलर वगैरह खेला ना तो उसकी वजह से मेरे चेहरे इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाता है। वैसे आज आपको पता है हमारे बिहार में एक दिन बाद होली हुआ, मतलब यहाँ मुंबई में 18 को हो गया था और वहाँ पे 19 को, और आज था झूमटा। जिन लोगों को झूमटा नहीं पता उनको मैं बता दूं कि वो क्या करते हैं ना कि ऐसे 2 जगह पे रस्सी बांध करके मटका लगाते हैं और उस मटके को फोड़ते हैं, तो ये सिस्टम होता है आज वो सब। देखिए आप ये वीडियो को एक गाँव तो देखा आपने, ऐसे होते हैं झूमटे, मतलब कि 2 जगह पे लगा दिया रस्सी और वहाँ पे बीच में मटका लगा दिया, मटके को फोड़ना होता है। तो और ऐसे भी होली तो यू नो अवध का है, होली खेले रघुबीरा अवध में, अवध इज बिहार यूपी ये सब जगह, फिर भी ये इतना प्रचलित हो गया है कि मुंबई में भी आ गया, दिल्ली में भी आ गया, लोग पहले ही मना लिए, कोई बात नहीं है, मज़ा बहुत आया। भगवान जी को मैंने साफ किया है तो ये नीचे का कपड़ा भी हटा दिया, बेचारे अब नीचे ज़मीन पर ऐसे ही बैठे हैं। बैठ के कर लेता हूँ एडिटिंग, ऐसे भी मेरा मन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं सोचा था मैंने आज शाम को थोड़ा जाऊँगा समंदर किनारे बीच पे बैठूँगा, लेकिन हो नहीं पाया। अरे यार यहाँ पे बात करता हूँ तो पता नहीं क्यों आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती है, यहाँ से अब आवाज़ टकरा करके और फिर मेरे पास ही आ जाती है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। चलो वीडियो एडिट करके मिलते हैं। मैंने अपने एक फ्रेंड का यहाँ पे वीडियो शूट किया था और पीछे का जो ये लोकेशन है ना बहुत ज़बरदस्त दिख रहा था मुझे जब वो वीडियो मैंने शूट किया था। तो उसके बाद मेरा ये प्लानिंग चल ही रहा है कि किसी दिन मैं खुद का भी वीडियो यहाँ पे एक शूट करूँगा, देखते हैं कब करूँगा नेक्स्ट टाइम। फिलहाल यहाँ पे बैठा हूँ और सोच रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जाना चाहिए। पानी का टैंकर आ गया है, मुंबई में पानी का टैंकर रात में आता है तब जाके सुबह पानी मिल पाती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं बाहर जाऊँ कहीं घूमने के लिए। पहले तो प्लान था, मैं जब गोवा जा रहा था तो प्लान ये था कि मैं भी गोवा चला जाऊँ, 6-8 दिन के लिए रुकूंगा वहाँ पे। हॉस्टल भी देख लिया था मैंने, जो डॉर्मेट्री होती है 200 या 250 रुपये पर डे के हिसाब से था, मैंने सोचा अफोर्डेबल है, जाएंगे आराम से 1 हफ्ते रुकेंगे वहाँ पे चिल करेंगे। और ऐसे भी 2-3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए मुझे रोड ट्रिप किए हुए, तो फिर से खुजली हो रही है। आज दिन में भी जब पापा से बात कर रहा था तो ये चीज़ रियलाइज़ किया कि हम तीनों भाई बहन है ना, या दादी भी है ना या पापा खुद भी, सब लोग ना ऐसे हमेशा घूमते घूमते सब पसंद करते हैं। मतलब कि एक टाइम पे ज़्यादा टाइम पे अगर किसी एक जगह पे रुक गए तो उसके बाद लगता है कि यार कहीं जाओ कहीं घूम के आओ। दीदी को भी मन कर रहा था और अभी मेरा भी मन ऐसा 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है, बट देखता हूँ अभी कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा। फिलहाल तो भगवान भरोसे चल रहा है सब कुछ। वैसे एक चीज़ है, रात बहुत हो गई है तो अब वीडियो को ख़त्म करता हूँ, मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, भगवान जी को भी सुला देता हूँ, ऐसे तो इस रूम को अंधेरा करके रखा है मैंने। तो मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, लव लव, भारत माता की। सब्सक्राइब कर दो ना अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो।